अमरपाटन में प्राइवेट स्कूल संचालक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपाई। प्राइवेट स्कूल संचालकों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से ही प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए लोन भी लिया गया है। ऐसे में आर्थिक तंगी को देखते हुए लोन का ब्याज माफ होना चाहिए। हम सब लोगों ने आदरणीय SDM महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जो प्राइवेट विद्यालयों की बहुत दिनों से लंबित मांगे हैं, जो पिछले कोरोना कालों से चल रही हैं। इस कोरोना काल में हमारी ईमाइज बची हुई हैं, हमारे अपने पैसे जो सरकार के पास रखे हुए हैं 2011-12 से लेकर 19-20 तक के, उन पैसों के लिए हमको याचना करनी पड़ रही है। उसके लिए हमने प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना चाहा अपनी तरफ। SDM महोदय द्वारा हम लोगों को कहा गया कि हमारी बातें शासन तक पहुँचाई जाएंगी और यथाशीघ्र इस पर अमल किया जाएगा, जिन बिंदुओं को लेकर के हमने बात की है। कोविड पीरियड में जितनी संस्थाएं हैं या जो स्थितियां हैं काफ़ी प्रभावित हुई हैं, तो ये जो निजी शिक्षण संस्थान वाले आए थे तो इनकी भी कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसको इन्होंने बिंदुवार अपने ज्ञापन में चिन्हित किया है, बताया है। तदनुसार इनको हम लोग शासन स्तर पे इसको प्रेषित करेंगे।